तो यहाँ पे दोबारा से कि जो फंक्शनल स्ट्रक्चर था वो वहां पे सूटेड था जहाँ पे क्या होता था मोर डिवर्सिफाइड एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती थी लेकिन डिविजनल स्ट्रक्चर वहां पे है जहां पे एक से ज्यादा कैटेगरी आप क्या कर रहे हो ऑफर कर रहे हो दिस इज द फर्स्ट वे या फर्स्ट हिंट टू रिकॉग्नाइज द केस स्टडी इन द बोर्ड एग्जाम और वो क्या वर्ड है जब एक ऐसे एंटरप्राइज जो बेसिकली मोर देन वन कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट ऑफर करते हैं जैसे अगर मैं बात करूं टी ये की एक कैटेगरी है कॉस्मेटिक ये दूसरी कैटेगरी है और उसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ कॉस्मेटिक के अलावा मैंने क्लोथ्स की बात कर ली ये अलग कैटेगरी है तो यहाँ पे इस तरह के स, आ, ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह के एंटरप्राइज में इट इज बेटर कि आप डिविजनल स्ट्रक्चर को फॉलो करो इट इज मोस्ट सुटेड फॉर दैट एंटरप्राइज विच हैव मोर देन वन कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट टू ऑफर आप देखोगे बोर्ड एग्जाम में काफी जगह पे कैटेगरीज जो होती है ना अगर अलग अलग है तो आप डिविजनल स्ट्रक्चर वहां पे आंसर लिखते हो दिस इज बिकॉज ऐसा क्यों Although every organization performs a set of the homogeneous function, it diversify into the varied product categories, and the need for a more evolved structure design is felt to cope with the emerging complexity. Although some may purchase hi hai, production he own but, aajkal ke business ko samphalne ke liye agar aap laglag -lag tarah ki categories ke product banaryo, then it is advisable ki aap konsa structure follow karo. That is a divisional structure. ऑर्गेनाइजेश मेन कंसर्न ऑफ द डिविजनल स्ट्रक्चर ईच यूनिट हैज डिविजनल मैनेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर द परफॉर्मेंस और यहाँ से भी लाइन आइडेंटिफाई होती है अगर आप उस मैनेजर को रिस्पॉन्सिबिलिटी सिबिलिटी दे सकते हो और उसे ठहरा सकते हो दैट वो तुम्हारा कौन सा स्ट्रक्चर है डिविजनल स्ट्रक्चर है बिकॉज फंक्शनल स्ट्रक्चर में इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फिक्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द रीजन बिहाइंड दैट अगर आपने प्रोडक्शन मैनेजर से पूछा वाई यू आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस द गुड्स अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड क्वालिटी यहाँ पे हमारा परचेस मैनेजर अच्छी क्वालिटी का सामान नहीं लाया हां जी परचेज मैनेजर जी आप क्यों अच्छी क्वालिटी का सामान नहीं लाए एंड ही सेइंग दैट सर क्योंकि मुझे इस फाइनेंस मैनेजर ने अच्छे ढंग के पैसे नहीं दिए मैं इसलिए नहीं लिख के आया हाँ जी बताइए फाइनेंस मैनेजर क्यों पैसे नहीं दिए मुझे मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने पूरा स्कोप नहीं बताया था कि कितना सेल होना है किस क्वालिटी का नीड है मैं उस हिसाब से आपको बताता मुझे परचेज मैनेजर बता देता कि अच्छी क्वालिटी का सामान नहीं आ रहा इस फंड्स में तो आई कैन अरेंज द मोर फंड्स फॉर देम तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं कर पा रहे हो दैट इज प्रॉब्लम ऑफ अब्लम फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड यू टू हेल्ड अ वन मैनेजर मैनेजरबल तो आप क्या करते हो वहां पे डिविजनल स्ट्रक्चर फॉलो करते हो एट लीस्ट आपने एक पर्सन अपॉइंट किया यही पर्सन सारा का सारा क्या देख रहे हैं टी फैक्ट्री को देख रहे हैं अब अगर टी फैक्ट्री में नुकसान है दैट पर्सन कैन बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल क्योंकि इसी के नीचे परचेज का काम होना था इसी ने आगे प्रोडक्शन का काम देखना था मतलब like, इसने आगे आगे चाहे मैनेजर्स रखे हैं बट पर्सन इज मोर रिस्पॉन्सिबल बिविजनल स्ट्रक्चर में क्या होते हैं इट इज इजी टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी यू कैन हेल्डनल मैनेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर द परफॉर्मेंस बिकॉज ही अथॉरिटी ओवर द यूनिट एंड जर्नली क्या किया जाता है आप जब इसकी ग्रुपिंग करते हो ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट करते हो और हर डिवीज़न मल्टी फंक्शनल यूनिट की तरह ऑपरेट करती है क्योंकि हर डिवीज़न के अंदर प्रोडक्शन भी हो रहा है मार्केटिंग भी हो रहा है परचेज भी हो रहा है यानी हर डिविजनल स्ट्रक्चर के अंदर फंक्शनल स्ट्रक्चर एडॉप्ट किया जा रहा है सी अगर डिविजनल स्ट्रक्चर की बात करते हर डिवीजन अपने प्रॉफिट एंड लॉस को अलग अलग सेपरेटली काउंट करती है कॉस्मेटिक अलग से काउंट करेगी गारमेंट अलग से काउंट करेगा फुटवेयर अलग से स्किन केयर अलग से तो अगर आप ये भी देखना चाहते हो ना कि हर बिजनेस अलग अलग कितना प्रॉफिट अर्न कर रहा है कॉस्मेटिक कितना कर रहा है गारमेंट कितना कर रहा है फुटवेयर कितना कर रहा है स्किन केयर कितना कर रहा है तो यू ऑलवेज अडोप्ट डिविजनल स्ट्रक्चर एंड वन थिंग आपको डिविजनल एंड फंक्शनल स्ट्रक्चर में जो मैंने प्रीवियसली भी तुम्हें समझाया था अपने नोट्स में से

तो यहाँ पे आपको डायग्राम ऐसे ही बनाना है मैनेजिंग डायरेक्टर उसके नीचे दो तीन प्रोडक्ट्स लिख लिए फिर आप दो तीन उसके नीचे फंक्शन किसी भी एक प्रोडक्ट के नीचे फंक्शन लिख दो दैट विल बी योर डिविजनल स्ट्रक्चर डायग्राम तो यहाँ पे क्या होता है एक एक लार्ज कंपनी जिसके बहुत अलग अलग तरह के प्रोडक्ट है स्पोर्ट्स कॉस्मेटिक है क्लोथ्स है वो बनाती है टी बनाती है या फिर अगर यूटेंसिल्स बनाती है तो वो कौन से स्ट्रक्चर को अडॉप्ट करेगी

जरी यहाँ पे क्या होता है अगर होजरी के अंदर लेडीज के भी कपड़े बन रहे होते हैं जेंट्स के भी बन रहे होते हैं किड्स के भी बन रहे होते हैं कपड़ा बना रहे हैं सेक्शन अलग अलग होते हैं किस फ्लोर पे बच्चों के कपड़े बन रहे हैं इस फ्लोर पे जेंट्स के कपड़े बन रहे इस फ्लोर पे लेडीज की कुर्तीज बन रही है तो इस तरीके से वो डिवाइड कर लेते हैं बट येस उसका प्रोडक्शन एक ही जगह पे होता है और उसका फाइनेंस अलग एक बिल्डिंग में होता है बिल्डिंग या एक अलग ऑफिस में होता है और उसके लिए जो मार्केटिंग होती है जो सेलिंग होता है वो अलग होता है मतलब वो सेक्शन में डिवाइड कर लेते हैं तो इस तरीके से अगर हम बात करें ये एक तरह से फंक्शनल स्ट्रक्चर ही अडोप्ट किया जा रहा है एंड इट इज नॉट कंपल्सरी कि एक ही बिल्डिंग के अंदर सारे फंक्शन हो जैसे अगर तुम्हें ये बोल दिया था एक क्वेश्चन आया था बोर्ड में कि ट्रक है बना, रही है। बना ट्रक रही है उसका जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो कहाँ पे फरीदाबाद में उसका जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है वो कहीं और है और जैसे महाराष्ट्र में है उसका मेंचेज डिपार्टमेंट कहीं और है है अब आपने ग्रुपिंग जो की टास्क की आपने जो बनाए है फंक्शन के बेसिस पे बनाए है तो जब आप फंक्शन के बेसिस पे ग्रुपिंग करते हो दिस इज नोन एज अ फंक्शनल स्ट्रक्चर लेकिन जब आप ग्रुपिंग प्रोडक्ट के बेसिस पे करते हो दिस इज नोन एज अ डिविजनल स्ट्रक्चर और मैनी अदर वेज to identify द केस स्टडी is फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द एडवांटेजेस एंड disadvantages आपको एडवांटेज के पॉइंट लिखे हो सकते हैं डिसएडवांटेज के पॉइंट लिखे हो सकते हैं और उससे वो आपको आइडेंटिफाई करने के लिए कहते हैं अब एडवांटेजेस क्या है अगर हम बात करते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर में सबसे बड़ी एडवांटेज क्या है प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन क्योंकि आपका फोकस सिर्फ एक ही प्रोडक्ट के ऊपर होता है इधर ऑन द कॉस्मेटिक गार्मेट फुटफ्यर या स्किन केयर एक ही प्रोडक्ट के ऊपर होता है तो जो प्रोडक्शन जो बेसिकली डिविजनल मैनेजर है उसको क्या हो जाएगा इन सारी चीजों में स्पेशलाइजेशन आएगी और उसका प्रोडक्ट को वो बनाना क्योंकि उसका फोकस एक ही प्रोडक्ट के ऊपर है इधर कॉस्मेटिक के ऊपर है तो ही विल गेट स्पेशलाइज इनटू दैट टास्क और क्योंकि उसने कॉस्मेटिक का काम सीख लिया और इन इन फ्यूचर अगर हमें उसे टॉप पोजीशन पे लेके जाना है तो वी कैन बिकॉज उसने एक्सपीरियंस गेन कर लिया है हर फंक्शन में उसने प्रोडक्शन भी देखी है उसने ह्यूमन रिसोर्स देखी, देखी, देखी है उसने 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 मार्केटिंग देखी 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 है 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 रिसर्च एंड डेवलपमेंट तो ही विल गेट स्पेशलाइज इन ऑल दी टास्क एंड दैट इज अ रीजन वो क्या हो जाएगा उस प्रोडक्ट में स्पेशलाइज हो जाएगा एंड दूसरी चीज क्योंकि उनको ये जो डिविजनल मैनेजर है ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉस्मेटिक क्यों भैया प्रॉफिट नहीं हुआ वाई क्यों नहीं हो रहा प्रॉफिट तो बिकॉज ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट क्योंकि उसके जितने भी प्रॉफिट्स जितने भी कॉस्ट एसोसिएटेड है दैट इज इजली आइडेंटिफाई आप उसे इजली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इसके कॉस्मेटिक का कितना खर्चा हुआ कितना इनको रेवेन्यू अर्न हुआ तो उस तरीके से हमें पता चल जाएगा इस बंदे ने कॉस्मेटिक को कितने अच्छे तरीके से बिजनेस को चलाया परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं एंड इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी क्या कर सकते हैं फिक्स अगर पुअर परफॉर्मेंस हुई मतलब अगर इसने सही ढंग से काम नहीं किया वी कैन हेल्ड हिम रिस्पॉन्सिबल तो यहाँ से एक ऑनलाइन देखो पहला वर्ड तुम्हें क्या बताया मैंने फंक्शनल के अंदर कि आपको डिफरेंट फंक्शन के बेसिस पे जब आप ग्रुपिंग करते हो परचेज प्रोडक्शन फाइनेंस मार्केटिंग दैट इज अ फंक्शनल स्ट्रक्चर लेकिन अगर आप डिफरेंट प्रोडक्ट के बेसिस पे ग्रुपिंग करते हो जिनमें कोई सिमिलैरिटी नहीं है दैट इज अ डिविजनल स्ट्रक्चर सेकेंड बेस टू आइडेंटिफाई उसमें आती है ऑक्यूपेशनल या फंक्शनल स्पेशलाइजेशन और इसमें कौन सी स्पेशलाइजेशन आती है दैट इज अ प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन

लेकिन जब बात करते हैं डिविजनल मैनेजर की बिकॉज वो पर्सन अकेला ही पूरे डिविजन को चलाता है ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंटायर परफॉर्मेंस तो यहाँ पे इजी टू फिक्स फिक्सपॉन्सिबिलिटी तो अगर तुम्हें तो लिखा आ गया इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फिक्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी योर आंसर इज फंक्शनल स्ट्रक्चर इट इज वेरी इजी टू हेल्ड अ पर्सन अकाउंटेबल इट इज वेरी इजी टू फिक्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी योर आंसर इज डिविजनल स्ट्रक्चर एंड फिर जब नेक्स्ट हम बात करते हैं कौन सा पॉइंट है इट प्रमोट फ्लेक्सिबिलिटी बिकॉज ईच डिजन वर्क एज अटोनमस यूनिट अब यहाँ पे समझो ये जो है कॉस्मेटिक ये कॉस्मेटिक अपने आप में एक यूनिट चल रहा है गारमेंट अपने आप में चल रहा है फुटवेयर अपने आप में चल रहा है स्किन केयर अपने आप में चल रहा है अब कॉस्मेटिक को कुछ गारमेंट से लेना देना नहीं है गारमेंट को कुछ फुटवेयर से लेना देना नहीं है दे आर ऑटोनमस यूनिट अटोनमस मतलब इनडिपेंडेंट यूनिट अब इनडिपेंडेंट है क्योंकि सारी वर्किंग उसके अंदर ही होनी है तो कॉस्मेटिक वाला ये जो पर्सन है इसे क्या पूछना है गारमेंट से इसने डिसीजन खुद लेने तो क्योंकि इसने डिसीजन खुद लेने हैं तो ही कुड बी हेल्ड बिकॉज ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द परफॉर्मेंस तो इसे पावर्स भी दी जाती है कि ये अपने आप सारा काम कर सकता है तो यहाँ पे क्योंकि इसने अपने बिजनेस को खुद चलाना है अटोनमस यानी इंडिपेंडेंट यूनिट की तरह तो यहाँ पे डिसीजन थोड़े जल्दी लिए जाते हैं अदरवाइज आपको किसी और की सुननी पड़े किसी और से परमिशन लेनी पड़े तो टाइम लग जाता है तो यहाँ पे अगर आप फास्टर डिसीजन मेकिंग चाहते हो वट यू नीड इज बेसिकली डिविजनल स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर फंक्शनल में कहीं ना कहीं आपको देर हो जाती है बिकॉज पे इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना होता है बिटवीन द डिफरेंट डिपार्टमेंट यहाँ पे एक ही पर्सन ने सारे डिसीजन लेने हैं उसने आगे प्रोडक्शन परचेज फाइनेंस मार्केटिंग डिपार्टमेंट को बताना है तो यहाँ पे थोड़ी सी डिसीजन मेकिंग क्या होती है फास्टर और उसके बाद तो जब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं इट फैसिलिटेट एक्सपेंशन एंड ग्रोथ बिकॉज न्यू डिवीजन कैन बी एडेड विदाउट डिस्टर्बिंग द एक्जिस्टिंग वन मतलब आपके पास कॉस्मेटिक है आपने कॉस्मेटिक का बिजनेस आराम से चलाओ इसको डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है आप एक और बिल्डिंग कर लो एक और स्ट्रक्चर बना लो और उसमें क्या कर दो आप गारमेंट का काम स्टार्ट कर दो फिर आपने और एक बिजनेस खोलना है कोई बात नहीं आप एक और फैक्ट्री ओपन कर लो वहाँ पे फुटवियर हो जाएगा तो आपको एक जगह पे सब कुछ क्लब करके डिस्टर्बेंस करने की जरूरत नहीं है स्पेस बनाने की जरूरत नहीं है यू कैन इजीली एक्सपैंड एंड ग्रो बाय अ न्यू वन मतलब विदाउट डिस्टर्बिंग द एग्जिस्टिंग वन यू कैन जस्ट एड द न्यू वन और इससे क्या होता है कि आप बेसिकली एक और प्रोडक्ट लाइन को क्या कर देते हो एड ऑन कर देते हो तो आपको अगर एक्सपैंड करना है आपको अगर ग्रो करना है तो यहाँ पे क्या होता है आपको बेसिकली एक्सपैंड एंड ग्रोथ के लिए किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी और बिल्डिंग के अंदर स्पेस बनाने की जरूरत नहीं है विदाउट डिस्टर्बिंग द एग्जिस्टिंग वन यू कैन सिंपली एड द मोर लाइन ऑफ द बिजनेस एक्टिविटीज आप और एक्टिविटी एड कर लो एंड यू कैन स्टार्ट दैट बिजनेस अब जब हम बात करते हैं इसके डिमेरिट्स की तो डीमेरिट में क्या है कल ही बताया था कि कुछ भी अगर आपके प्रॉब्लम अगर कोई फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी होंगे एज अ कॉइन हैज टू साइड एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी होगा डिविजनल स्ट्रक्चर के कुछ डिसएडवांटेज है जैसे पहली डिसएडवांटेज कन्फ्लिक्ट अराइज हो जाते हैं

तो वो चीज आ जाती है फोकस किया जाता। शायद इस ने पे इतना फोकस किया ही नहीं एंड दैट इज द रीजन वो इतना ग्रो नहीं हुआ तो यहाँ पे एलोकेशन ऑफ फंड्स को लेके काफी झगड़े हो जाते हैं तो डिविजन्स के अंदर जब झगड़े होते हैं डिविजन्स के अंदर डिपार्टमेंट के अंदर झगड़े हुए फंक्शनल स्ट्रक्चर डिवीजन के अंदर झगड़े हुए तो दैट इज अ डिविजनल स्ट्रक्चर एंड इट मे लीड टू इंक्रीज इन द कॉस्ट क्योंकि डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटीज यहाँ पे कॉस्मेटिक को भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर चाहिए गार्मेंट को अपना चाहिए फुटवेयर को अपना चाहिए स्किन केयर को अपना चाहिए तो आपको एक ही कंपनी के अंदर चार परचेज मैनेजर चाहिए तो वो चाहिए भी क्योंकि उनके बिना काम भी नहीं हो सकता फिट डुप्लीकेशन ऑफ है फिट आपको कॉस्ट ज्यादा लग रही है मशीन आपके पास डबल ट्रिपल है तो इस वजह से आपकी कॉस्ट क्या हो जाती है हाई हो जाती है

और उधर के एक और प्रोडक्शन मैनेजर होगा उसका ध्यान सिर्फ किसके ऊपर होगा सिर्फ और सिर्फ क्लोथ्स के ऊपर तो यहाँ पे क्या होता है हर पर्सन का अपनी ही डिवीजन के ऊपर ध्यान होता है उसका पूरी कंपनी के साथ कुछ लेना देना नहीं है वाई जेड एक कंपनी है इस एक्स वाई जेड कंपनी के अंदर क्या है तीन प्रोडक्शन, तीन मतलब डिविजनल मैनेजर है ये है टी का ये है कॉस्मेटिक का और ये पर्सन किसका है दैट इज अ क्लोथ का फुटवेयर का ले लो अब यहाँ पे इस पर्सन को हमने पूरी पावर दी लाइक ये टीका काम कर सकता है फुटवेयर का कर सकता है अब यहाँ पे इस पर्सन को इन दोनों के बिजनेस से कुछ लेना देना नहीं है तो इसका फोकस किसके ऊपर है टोटल और टोटल अपने प्रोडक्ट के ऊपर तो इसे कंपनी को इफेक्ट पहुंचेगा बेटा इससे तो कुछ नहीं पहुंचेगा लेकिन कंपनी का कुछ रहेगा नहीं कि कंपनी के बाकी दो प्रोडक्ट्स में क्या हो रही है उनकी जो सेल है वो कम है इसको अपनी पावर को शो करना है कि मैं अच्छा काम कर रहा हूं तो इसने ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को नहीं देखना इसने अपने डिवीजन के इंटरेस्ट को देखना है मतलब यहां पे क्या लिखे मैनेजर के पास अथॉरिटी है टू सुपरवाइज ऑल द एक्टिविटीज रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर डिवीजन इन कोर्स ऑफ़ टाइम उसके पास पावर आ जाएगी और और वो अपनी इंडिपेंडेंस को शो करेगा यूनिट्स के अंदर ही विल इग्नोर ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट उसे पूरी कंपनी के साथ कुछ लेना देना नहीं है उसने सिर्फ अपने प्रोडक्ट के साथ लेना देना है अब इस तरह का स्ट्रक्चर कहाँ सुटेबल होता है इट इज सुटेबल फॉर बिजनेस एंटरप्राइज विच हैव लार्ज वराइटी ऑफ प्रोडक्ट जिनकी वरायटी ऑफ प्रोडक्ट क्या होती है ज्यादा होती है जो बेसिकली अगर हम बात करे, जब कंपनी ने ग्रो करना है मोर एम्प्लॉय ही वांट टू क्रिएट मोर डिपार्टमेंट ही वांट टू इंट्रोड्यूस मोर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट तब वो क्या करती है डिसाइड करती है टू अडॉप्ट द डिविजनल स्ट्रक्चर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपनी जब ग्रो करती तुम्हें नजर आए

अगर ध्यान से पढ़ा होगा एक्सपेंडेड वर्ल्ड किसके अंदर था की एक्सपेंशन कहाँ पॉसिबल था यू आर एबल टू आंसर तो एक्सपेंडिड ऑर्गेनाइजेशन एंड वाई एंड स्टेट फोर एडवांटेजेस तो तनुश्री Runs a factory wherein she manufactures shoes. The business has been doing well. Now she want to expand by diversifying into the leather bags as well as a western formal wear. She want to expand. Okay, so here that shoes and basically leather bags or formal wear. This will enable her market to. मार्केट हर बिजनेस यूनिट एज वन शॉप तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं योर आंसर इन दिस क्वेश्चन स्ट्रक्चर क्योंकि एक तो वर्ड एक्सपेंशन लिखा हुआ है दूसरा वराइटी ऑफ प्रोडक्ट है नेक्स्ट केस स्टडी इज बेसिकली नेम द फ्रेमवर्क फ्रेमवर्क बेसिकली होता क्या है दैट इज अर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आपने उसका नेम बताना है तो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का नेम बताना है विच द डिवर्सिफाइड ऑर्गेनाइजेशन डिवर्सिफाइड ऑर्गेनाइजेशन शुड एडॉप्ट टू इनेबल इट टू कॉप अप विद द इमर्जिंग कॉम्प्लेक्सिटी इमर्जिंग कॉम्प्लेक्सिटी आज कल के कॉम्प्लेक्स एनवायरमेंट को स्टडी करने के लिए उसको हैंडल करने के लिए कौन सा होना चाहिए किरण इंडस्ट्री इज मैनुफेक्चरिंग ऑफिस फर्नीचर द कंपनी चूजेज टू डिवर्सिफाई इट्स ऑपरेशन To improve its growth potential and the market share. As the project was important, many alternatives were generated and thoroughly discussed. After evaluating, they decided to add home, interior and furnishing as a new line of business activity. As a new line of business activity and emerging complexity. Yeh jo words hai, aapko kiske andar mile the? Pe the correct answer is basically,